रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटिंग। यस सो बच्चों जय हिंद, कैसे हो सभी लोग। ये लेक्चर नंबर 4 है मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। अभी तक क्या हुआ है, हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने अलजेब्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर दिया है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर कैसी आती है, एक्स आया, एक्स स्क्वायर आया, 0.4t प्लस 1 टू द पावर 4.5, इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हमने देखा। आज के लेक्चर में बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, इतनी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो चार फॉर्मूले आएंगे उसे रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखने के बाद लगभग लगभग 50% हमारा ये जो मैथमेटिकल टूल टॉपिक है जिसका नाम डिफरेंशिएशन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टूल देखेंगे इंटीग्रेशन, फिर आएगा वेक्टर्स एंड फिर फिजिक्स की एक्चुअल गाड़ी स्टार्ट होगी दोस्तों। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो मैं नए स्लाइड पे जाता हूँ, जिसका लेक्चर पिछला मिस हो गया है वो लेक्चर 1 से देखे, उनको सभी चीज़ें क्लियर क्लियर समझ में आएगी। सो यहाँ पे हम चलते हैं टाइप 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिखेंगे हम। विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे बेटा अपने को। ठीक है, दो चार फॉर्मूला है, फटाफट से हम इसे लिख लेते हैं, उस फॉर्मूला के ऊपर से फिर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके लिए कलर सिलेक्टर देता हूँ। ये सबसे पहले दिया होगा y इज इक्वल्स टू साइन x, इसका जो डिफरेंशिएशन आता है तो हम उसको लिखेंगे dy by dx, इसको लिखेंगे cos x। सो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x आता है, ये हम याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला हमें मिला। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसकी भी बात करेंगे, पहले इतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अवर फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला आएगा हमारे पास cos x का, cos x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, कभी दिया हो y इज इक्वल्स टू cos x, ज़रूरी नहीं है y और x के टर्म में हो, z और p भी दे सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू cos p। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट y और x थोड़ा सूटेबल लगता है इसलिए हम वही वेरिएबल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, p और z होगा तो dp by dz लिखेंगे, बस उतनी बात रहेगी। हाँ, तो एक फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू cos x, उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, ये कहाँ से आया, इसके पीछे का प्रूफ क्या है, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको एज अ टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बॉक्स कर देते हैं, ये हमारा सेकेंड फार्मूला बन गया, दिस इज़ आवर सेकेंड फार्मूला cos x के लिए, ये रहा। ठीक है, फिर तीसरा आएगा tan x का, तो c यहाँ पे लिख लेते हैं, और दो चार ही फॉर्मूला हैं, फिर रंग बिरंगी क्वेश्चंस उसके देखेंगे। y इज इक्वल्स टू tan x, एनी गेस जो डेमो क्लास में थे बता सकते हैं tan x का डिफरेंशिएशन याद है किसी को, उस जमाने में हम लिखा करते हैं। माइनस cot x, नहीं अरे एक बार, एनीवन वांट्स टू ट्राई tan x sec square x, sec हाँ, सो dy by dx इज इक्वल्स टू sec square x, इसे याद रखना है। ठीक है, पूछना नहीं है कहाँ से आया, वो मैथ्स में तुम देखोगे, बहुत डिटेल में देखोगे। ठीक है, इसको हम एज अ टूल ले रहे हैं, तो इट्स बेटर टू मग अप, रट्टा मार ले कुछ फॉर्मूलाज को। ठीक है, वही भला रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और डी यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन कभी आया तो y इज इक्वल्स टू sec x, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो लिखेंगे dy by dx इज इक्वल्स टू, वो होता है sec x tan x। देखने में ऐसा लगे अजीबोगरीब, अरे sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, हाँ होता है। ठीक है, उसके पीछे प्रूफ है, वो हम नहीं देखेंगे अभी, उसकी हमारे फिजिक्स के अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं cot x, अगर कोई पूछे y इज इक्वल्स टू cot x, इसका डिफरेंशिएशन होता है, एनीवन गेस, माइनस cosec square x, cot x का डिफरेंशिएशन,
कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया क्या, हाँ कोसेक एक्स बाकी है, एंड देन वी आर रेडी टू गो। ठीक है, इसको भी बॉक्स कर लिया हमने, ई और ये एफ, चला इथा लिया था अपन, कौन तो बाकी है रे, कोसेक एक्स से बाकी है ना, तो मैं लीला ही थे कोसेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये याद रखना कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, अभी इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको हम डील करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल सा है, छोटा सा है, अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल वन, बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेशन, ठीक है। लेट्स से कि पहला एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू दिया है cos 4 थीटा, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, देखते जाओ, बहुत ही मस्त है ये, बहुत मज़ा आएगी, क्योंकि क्लास 11 ट्वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ समझाना, ठीक है। मतलब हम पूरा गाड़ी का पूरा थ्रोटल खोल के बच्चों को बोलते कि बच्चों इसमें पूरा इंटरेस्ट ले लो, ये अगर छूट गया ना आगे दिक्कत होगी, ठीक है। नहीं तो हम पढ़ाने को पहले ही कोई टॉपिक ले सकते थे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, ये वो, नहीं, सबसे पहले ये करना काफ़ी ज़रूरी है, फाउंडेशन। सो सर आप पहले आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ सर आप, y इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा क्या मैं dy बाई dx लिखूं या dy बाई d थीटा लिखूं, सबसे dy बाई d थीटा, सो वी शुड राइट dy बाई d थीटा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है ये थीटा, यहाँ पे x होता तो नीचे x लिखते, ठीक है। रीड कैसे करना है इसको, dy बाई d थीटा इज इक्वल्स टू cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमने पीछे देखा सर ने बताया था cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है। सो वट वी विल राइट, वी विल राइट माइनस साइन 4 थीटा, ओके पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, रुको, इनटू करना है, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा था वो, 4 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे बताओ अगर 4x होता तो तुम उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते, 4 को साइड में रखते और x का डिफरेंशिएशन 1 करते, तो 4 लिखते, राइट। तो यहाँ पे 4 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी 4 ओनली, बराबर। और दो चार एग्जांपल लूंगा, समझ में आएगा, पेशेंस रखो बस। दिस विल बी माइनस 4, कॉन्स्टेंट हम आगे से लिखते हैं, ये हमारी प्रथा है। सो माइनस 4 साइन 4 थीटा विल बी द आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा, ठीक है। और दो चार एग्जांपल लेंगे, सबका दूध का दूध पानी का पानी समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू लेते हैं साइन 2x बाय 3, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक दो मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो बस, दो चार तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ, और डीपी में के अंदर भी ऑब्वियसली बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, राइट। सो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, लेफ्ट में वाई है, राइट में क्या है एक्स, सो यू विल राइट डी वाई बाई डी एक्स, ओके। सो फिर राइट हैंड साइड में देखा, तुम्हें दिखा साइन एक्स, तो तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम्हारे दिल ने बोला कॉस एक्स होता है, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, 2x बाई 3 है, लेकिन पहले साइन दिखा ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमें पता है, कॉस होता है। आगे क्या लिखा है, 2x बाई 3 मैंने लिख दिया, इनटू करके 2x बाई 3 का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। 2x बाई 3 का डिफरेंशिएशन कोई मुझे बताएगा क्या, ठीक है, फॉर योर सिंप्लिसिटी मैं बता रहा हूँ। देखो अगर y इज इक्वल टू 2x बाई 3 ऐसा आता तो तुम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते बेटा, 2 बाई 3 कॉमन ले लेते ना, क्योंकि कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है। फिर से एक बार, कोई कांस्टेंट टर्म 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और अंदर x है, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एनीवन, x का डिफरेंशिएशन, शायद से मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, इस फिर से बताओ, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, हाँ नेटवर्क अनस्टेबल हो गया था, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट, ये 1, राइट, ओके, थोड़ी आवाज़ पीछे आगे हो गई थी, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x बाई 3 का डिफरेंशिएशन 2 बाई 3, राइट, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, 2 बाई 3 यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, सो ये 2 बाई 3 इधर से आ गया, cos 2x बाई 3, ठीक है। मैं बस बीच बीच में चेक करते रहता हूँ क्या मेरी आवाज़ क्लियर है, यस नो, हाँ सर, क्लास का मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में चेक करते रहता हूँ,
बीच में आवाज़ ब्रेक हो गई, कोई इम्पोर्टेंट बात उसके अंदर चली गई, तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो अगर तीसरा मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं लिखता हूँ कि लेट्स से फाइ इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा, इतना नीचे क्यों लिख रहा हूँ, मैं ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। वाई इज इक्वल्स टू बेटा थीटा बाय फोर लिखा हो, टैन थीटा बाय फोर, टैन थीटा बाय फोर, मैं देखना चाहता हूँ कौन इसे करेगा, डी वाई बाय डी एक्स, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। हाँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ, टैन का आता है सेक्स स्क्वायर एक्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अभी तो मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ी ना तुरंत याद होगा, दो चार प्रैक्टिस के बाद याद होगा। ये फॉर्मूला यूज़ करके मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पार्थ, ओम, प्रशांत, राधिका, रितेश, तन्वी, सर सेक्स स्क्वायर थीटा बाय फोर। हाँ हाँ गुड, चलो पावर पफ गर्ल्स आर रेडी, शक्तिमान गंगाधर बन के बैठे हैं, चलो आ जाओ बाहर। मैं वो जतिन, सेक्स स्क्वायर यस जतिन आया, हाँ सर 1/4, हाँ सही बोला उसने, आर्यन भी आया जीरो है। आर्यन 0 कैसे बेटा? सर तो फोर वन कट बाय फोर नीचे सेक्स शून्य बन स्क्वायर गया। वन बाय फोर थीटा। यस वसुंधरा का भी आ गया। आर्यन बेटा 0 नहीं होगा, वो थीटा बाय फोर है ना, 1/4 इंटू थीटा है, तो वो किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आया है। सर तो फिर 1/4 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो थीटा बाय फोर का करेंगे ना, 1/4 किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आया तो उसको थोड़ी ना डिफरेंशिएट करते, वो तो हमारा गेस्ट है, उसको ऐसा ही रखेंगे। सुदर्शन बेटा बोल क्या आंसर लाया बेटा तू, सुदर्शन चक्र घुमा के बताओ, सुदर्शन। सर्वेश, यस बेटा, यस सिंपल है, बस समझने की देरी है, कोई अभी समझ जाएगा, कोई दो दो 3 सेकंड बाद, कोई 2 मिनट के बाद, कोई आज, कोई कल समझ सब जाएंगे, ठीक है। सो टैन थीटा बाय फोर का डिफरेंशिएशन हमने कहा, हमने देखा टैन है, उसको लिखाना पड़ेगा सेक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा सेक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर, आगे जो है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है, थीटा बाय फोर का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा बाय फोर लिखा, इंटू थीटा बाय फोर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर कहीं लिखा हो वाई इज इक्वल टू थीटा बाय फोर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे वन करोगे, पॉइंट फोर 1/4 को तो रख दिया बाहर बराबर पहचाना, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन, सो क्या आएगा वन ये 1/4, ठीक है, हमारा कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे 1/4 है, राइट, सो हियर इट इज़ 1/4, सेक्स स्क्वायर थीटा बाय फोर इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कुछ किया क्या मैंने, नहीं, 1/4 को इधर से लिखा है बस। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आई, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, तो सिंपल भी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं, बस 1/4 मैंने इधर से लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके सर थोड़ा पूरे जब बताता, ठीक है, ये कभी ज़रूरत पड़े तो, छोटा पैकेट छोटा रिचार्ज साइड में रख दिया, गमले में डाल दे क्या इसे, गमले में बैठेगा क्या ये, नहीं। ओके और एक एग्जांपल देते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने लिखा है वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ -5 थीटा बाय 2, वाह कितना सही क्वेश्चन बना है, वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ -5 थीटा बाय 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। फॉर योर रेफरेंस इस गाड़ी को उठा के यहाँ रख देते हैं हमारे बच्चों को, फॉर्मूला की कभी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। सलाम मित्रांनो, पार्टिसिपेट कराओ ये अपनी क्लास में, मज़ा लो क्लास के, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क, ऐसा समझो कि तुम अकेले हो क्लास में, कोई बैक बेंचर नहीं है, अपनी क्लास कैसी है, ये टेबल के बीच में मैं बैठा हूँ, तुम सभी लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है, मैं ऐसे गोल गोल घूमते रहता हूँ इधर से उधर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम रो में बैठे हैं, कोई पीछे है फाइव बाई टू साइन माइनस फाइव थीटा जय बाई माता टू दी, यस गर्ल्स गर्ल्स पावर रॉक, पावर पॉप गर्ल्स रॉक, फाइव बाई टू माइनस साइन थीटा माइनस फाइव, यस डिम्पल। ओके सर्वेश, आदिनाथ, आर्यन, भाई गंगाधर बन भाई के बैठे हैं भाई हमारे भाई लोग, और भाई भाई यस ओम, ओम का पहला लेक्चर है, पार्थ, पार्थ बीच में आया था, इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, नेवरदलेस
प्रशांत का पहला लेक्चर दिख रहा है यहाँ पे, राधिका है, राधिका तो दूसरे दिन, रितेश देशमुख नहीं, रितेश पवार, ओहो, देन सुदर्शन है, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़, देखो लेट्स डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस को क्या लिखेंगे, हमने देखा हाँ कॉस को डिफ्रेंशिएशन आता है माइनस है, तो तुरंत माइनस साइन यहाँ तक लिखा, बराबर एग्जैक्टली, अंदर जो लिखा है वो लिख लो पूरा, माइनस फाइव थीटा बाई टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनटू अभी ये जो अंदर है माइनस फाइव थीटा बाई टू, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस फाइव बाई टू, क्योंकि माइनस फाइव बाई टू को छोड़ दिया और थीटा का डिफरेंशिएशन हमने देखा वो क्या आता है, वन आता है, ठीक है, ऑल राइट, तो इसको रीअरेंज करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस 5 बाय 2 साइन 5 बाय 2 साइन माइनस 5 थीटा बाय 2 माइनस 5 थीटा बाय 2, ठीक है इतना लिखेंगे, ठीक है इसके आगे लिख सकते हैं हम, वो माइनस बाहर लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं कन्फ्यूजन अभी नहीं देना चाहता, ठीक है, क्योंकि इट इज़ कमिंग इन टू द फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो उसका आंसर माइनस 5 बाय 2 साइन 5 थीटा बाई 2, जिसको समझ में आए वो पकड़ ले, जिसको समझ में नहीं वो कन्फ्यूजन ना करे, यहाँ पे आगे चल के मैं खुद बताऊँगा ये, ठीक है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ओनली पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे पहचाने सर, क्योंकि क्योंकि हम उल्टा जाएंगे तो कॉस, मतलब उल्टा अगर जाएंगे मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल निगेटिव मेजर हुआ है यहाँ पे, इसलिए मुझे पहचान में आया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, बाकी लोग चिंता ना करें जो पहली बार यहाँ पे है, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी में जो प्रेजेंट था वो समझ सकता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती तो ये माइनस साइन यहाँ पे डाल दो, अगर यहाँ पे कॉस होता, यहाँ पे कॉस लिखा होता और माइनस फाइव थीटा बाई टू होते तो उसको क्या लिखते हम, वो वाली टर्म पॉजिटिव कॉस में आती, ठीक है, चलो वो उसको मैं सेपरेटली डील करूँगा, अभी कन्फ्यूज मत करना, अभी मैंने बना बनाया कॉन्सेप्ट तुम बिगाड़ दोगे, चलो आगे चलते हैं और दो चार प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तुम लोग अभी इसे सॉल्व करो, दो चार क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करो, तब तक मैं दो चार लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा y इज इक्वल टू साइन 0.7 थीटा, और एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, दो से काम चल जाएगा, ठीक है, तीसरा एक ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस 1/2, सर फर्स्ट का आ गया आंसर, ओके पूरे तीनों करो बेटा, 0.7 cos 0.7 cos 0.7 थीटा 0.7 थीटा बराबर है, दूसरा कर रहा था, सेकंड करो, हर्षदा, हर्षदा से अपन पहला लेक्चर है काल, आई थिंक सो, या देखो मैं तीन जगह नोटिफाई करता हूँ, एक तो हमारे ऐप के अनाउंसमेंट में, एक तो ऐप के अंदर जो हमने ग्रुप बनाया उसके अंदर चैट सेक्शन में, और तीसरा अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली तीनों जगह पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, रिगार्डिंग क्लास, कोई नोट्स, कोई कुछ पोस्ट शेयर करनी है, कोई थॉट शेयर करना है, कुछ लिंक शेयर करनी है, यूट्यूब के अंदर अगर मैं डाल देता हूँ DPP उसका सोल्यूशन, इसका PDF वहाँ पर डाल देता हूँ, तीनों हो गए, तीनों हो गए, चलो हम पहले बगैसा कहाँ पर निकले, इसको देखते हैं, देखा इसको लिखेंगे dy बाई डी थीटा, राइट में थीटा है तो dy बाई डी थीटा लिखेंगे, राइट, साइन का डिफरेंशिएशन हमने देखा वो होता है कॉस, माइनस कॉस नहीं, साइन का कॉस होता है, राइट, कई बार हम आगे चल के कन्फ्यूज हो जाते सर साइन का कॉस था या माइनस कॉस था, कॉस का प्लस साइन था या माइनस साइन था, सो मेक श्योर यू आर क्लियर विद दैट, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर क्या लिखा है 0.7 थीटा एज इट इज लिख दिया, इन टू 0.7 थीटा का, 0.7 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0.7, ठीक है, ओके तो इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो 0.7 कॉस ऑफ 0.7 थीटा, ठीक है, ये अंदर और ये अंदर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये जो लिखा है मैथ्स की कुछ गहराई में जाके बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़, ये 0.7 को इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये जो अंदर है ये बंधे हुए हैं कॉस के फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये फ्री है, ये आदमी फ्री है, किसी के बंधन में नहीं है, लेकिन ये जो 0.7 थीटा है दिस इज इनसाइड द कॉस, ठीक है, कई बार ऐसे हो जाता है, ठीक है, लेट मी
एक्सप्लेन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है ना. हम कट भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ये बाहर है कम्प्लीटली. इनका इनका ये दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं है दोनों, ठीक है. ऑल राइट, तो मैं इसे हटा देता हूँ. ओरिजिनली क्या था ये, 0.7 था, ठीक. चलो सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. इसको लिखेंगे डी वाई बाय डी थीटा, नहीं डी एक्स लिखेंगे, राइट. इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस. आगे क्या है, रूट एक्स, वो लिख दिया. इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा याद हो तो बहुत बढ़िया. हाँ, 1/2 √x, दिस इज अवर आंसर, ठीक है. इसको अगर थोड़ा सा सजा धजा के लिखने की कोशिश करो, मतलब कॉन्स्टेंट को यहाँ से लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 √x, को यहाँ से डाल दो, कॉस रूट एक्स. कई बार हमने देखा है बच्चे कट कर देते, तो इसको आंसर लिखते, उसके मीम्स बन जाते हैं फिर, 1/2 cos. ये आंसर ऐसे कभी कभी नहीं होता बेटा, इसका कॉस के आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, ऐसा अकेला कॉस लिख के कैसे चलेगा, कॉस थीटा लिखो कुछ तो हो. तो ये करना बिल्कुल भी गलत है, ठीक है. ऐसे रूट एक्स कभी कट नहीं होता, ठीक है. दिस इज आंसर, राइट. थर्ड वाले में आते हैं. तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन. बीच में प्लस साइन है तो कोई चिंता की बात नहीं है, रूट एक्स को सिर्फ देखो, ठीक है. रूट एक्स को देखा, कैसा लगा, सुंदर लगा. उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, बहुत ही सुंदर, 2√x, बराबर, कोई गलत तो नहीं है. बीच में साइन प्लस है, दे दिया भाई साइन प्लस. साइन रूट एक्स का अभी ऊपर किया, क्या आया वो, 1/2 √x इंटू साइन, नहीं कॉस रूट एक्स, बराबर, 1/2 √x इंटू कॉस रूट एक्स प्लस 1/2 का डिफरेंशिएशन, जीरो. अकेला आया है 1/2. अगर यहाँ पे देखो, ये 1/2 का आपने बोला जीरो, 1/2 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2. अच्छा, 1/2 x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 को साइड में रखोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, 3, नीचे डाल दिया एक्स की पावर 2, ठीक है. ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ. हो सकता है कि बच्चे सर कितना आप वही चीज़ कितनी बार रिपीट करोगे, करना पड़ता है. सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है क्लास में, सबका साथ सबका विकास इसी को तो कहते हैं, राइट. चलो, तो ये तीन एग्जांपल इस प्रकार के हो गए, ठीक है. डीपीपी के अंदर बहुत सारे और क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको हम कल डील करेंगे. अभी थोड़ा सा लॉगरिथम के अंदर चले जाएं. यहाँ पे रूट एक्स का 1/2 √x प्लस 1/2 √x कॉस रूट एक्स कैसे आया. देखो यहाँ पे ऊपर का क्वेश्चन देखो बेटा, ये साइन रूट एक्स, ये देखा साइन रूट एक्स को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया, देखते हैं. तो यहाँ पे साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस. तो कॉस लिखा, कॉस रूट एक्स. मैंने कहा अभी पिक्चर बाकी है, आधी पिक्चर हुई है, इंटू करके ये जो रूट एक्स है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1/2 √x, राइट. और बस ये 1/2 √x को मैंने यहाँ से लिख दिया. ये देखो, ये अगर ये नहीं समझते थोड़ा ऊपर चलो मेरे साथ. ये देखो, साइन 0.7 थीटा को हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, समझा ना. ओके, फिर भी देख लो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 0.7 थीटा, इंटू करके हमने 0.7 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या किया, 0.7, और उसको यहाँ से लिख दिया. ऑलराइट, ओके, ठीक है. चलो बच्चों, आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते हैं. वो थोड़ा सा सिंपल है, फिर लॉग को हम कल डील कर लेंगे, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा बम्बार्डमेंट अच्छी नहीं है, ठीक. आगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, तो हम इसको टाटा बाय बाय कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इतना ही था, ठीक है. तो कोई सेक एक्स का एग्जांपल ले ले क्या. चलो, तुम बोलोगे सर आपने साइन कॉस टैन का ही ले लिया, इसका नहीं ले लिया, इसका ले लेते, कोई बड़ी बात है क्या. सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, कोई एग्जांपल बना देते हैं साइड में यहाँ पे, ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स होल्ड ऑन. वाई इज इक्वल्स टू सेक 4x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है. फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए लेके आता हूँ तुम लोगों के लिए. ये हमारा फॉर्मूला है, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है. सो हमने देखा इसको डिफरेंशिएट करना है, हमने कहा ओके. सर ने लिखा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक 4x का डिफरेंशिएशन करना है. तो पहले हमने सेक को देखना है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक इंटू टेन, ठीक है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक x था वहाँ पे, यहाँ पे 4x है, तो 4x लिखो. सेक x इंटू टेन x है, वहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है 4x, तो टेन 4x इंटू इंटू करके. अभी इस 4x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4, ठीक है. जब डिफरेंशिएशन करोगे ना, यहाँ नहीं देखना. तुम कहोगे सर इस 4x का डिफरेंशिएशन 4 और इस 4x का भी डिफरेंशिएशन 4, नहीं नहीं क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो लिखा है उसका करना है. तो ये 4 किया मैं, ठीक है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतना कर देते हैं
फिर करते हैं, हाँ sec 4x का आगे 4x लिखा है ना, उसका आएगा 4 इंटू ए 4x का भी आएगा 4, नहीं वो गलत हो जाएगा, इधर देखना है, ऊपर देखना है, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर दूँ क्या, 4 इधर से डाल देता हूँ, sec 4x इंटू टेन 4x, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक हमें आदत है ना, कोई नंबर आ जाए आंसर में सब मज़ा आ जाता है, हम देखते हैं यार ये इसका आंसर ये आया, इधर तक ही, आगे क्या करना है, आगे करना होता है बहुत कुछ चीज़ें करनी होती है, बस हम उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, हॉर्न कैसे बजाना है, लाइट कब लगाना है, बारिश आए तो वो वाइपर कैसे चलाना है, वो सब सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे कंडीशन आएगी वैसे करें, ओके ठीक है। तो ये हो गया डीपीपी के अंदर, ये और क्वेश्चंस तुम लोगों को मिल जाएंगे, मैं एक आगे वाला टाइप सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऑफिशियली अभी फिर से इसको हम टाटा बाय बाय कर दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अभी तक मैंने जो सिखाया उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। कितने टाइप हमने किए, अल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आए हम, हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, टैन कॉस उनके भाई बहन सबका डिफरेंशिएशन हमने देखा, अल्जेब्रिक फंक्शन को भी देखा। हम अभी यहाँ चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद एक ही बाकी रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमारे काम का नहीं है, इनवर्स वाला। इस टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और फिर मिस एंड मैच कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मिसलेनियस एंड मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाले, ठीक है। चलते हैं फिर एक्सप्लोर करते हैं बहुत ही सुंदर सा डिफरेंशिएशन। टाइप नंबर 3 कर देते हैं, टाइप नंबर 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। सो आगे चलते हैं टाइप 3 हेडिंग, बच्चों यहाँ पे मैंने दिया, ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मतलब इसका एक फॉर्मूला है कि दिया है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ई टू द पावर x, कितना मज़ेदार, हिलता ही नहीं जगह से, मैं डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा, इसका आंसर आता है ई टू द पावर x होंगे, ठीक है। ये कई बार ऐसा दिया है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है e टू द पावर ए एक्स, और ये ए एक्स का डिफरेंशिएशन a, ठीक है। इसको बॉक्स करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पे इसको बॉक्स किया, ये हमारे फॉर्मूलाज है बेटा, थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल नीचे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा और बच्चों ने सुना, क्या सुना, जो मैंने कहा, मैंने क्या कहा, ये कहा कि y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.4x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने कहा ठीक है भाई dy बाई डी एक्स लिख देंगे, e टू द पावर 0.4x का डिफरेंशिएशन आता है e टू द पावर 0.4x, ठीक है, इन टू करके 0.4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो हमने देखा 0.4, सिंपल, इट्स लाइक अ कटिंग अ केक, इतना सिंपल है ये, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि एक तसल्ली हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए एक, और समझ में आए कि कहना क्या चाहते हैं। e टू द पावर रूट एक्स लिखा, e टू द पावर रूट एक्स लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो हमने लिखा dy बाई dx लिखो, पहले तो ज़रूरी है कि y और x आए, हमेशा समझते हो तुम लोग, थीटा आया तो dy बाई d थीटा लिखे, ओके। तो e टू द पावर e जैसे दिखा तो उड़ी मार के लिखना उसको, e टू द पावर जो है वो रूट एक्स इन टू करके e के ऊपर जो भी कुछ लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करो। अभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन देके रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आता है वो 1/2 रूट एक्स, दिस इज द डिफरेंशिएशन वी डू, ठीक है। ये गलती से भी कट मत करना भाई, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स, ठीक है, दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं है, ये बंधा हुआ है फंक्शन ई से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर है वो, जैसे वो कॉस वाला बताया था वैसे ही है। चलो मैं एक दो सैंपल ले लेता हूँ, फिर हम आज का लेक्चर को जय हिंद जय महाराष्ट्र कर देंगे बच्चों। और एक एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है, लेट्स से कि मेरे यहाँ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 4/3p, 4/3p, थोड़ा ढंग से लिखो सर आप, 4/3p, ठीक है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ई टू द पावर 4/3p। कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, बताओ डी जेड अपॉन डी पी ई पावर 4/3p इंटू 4/3, ओके डी जेड अपॉन डी पी,
व्हील ऑन अ बस गो राउंड एंड राउंड। और बताइए भाई और बहनों, क्या लगता है आंसर क्या आएगा? e 4/3 p into 4/3 इंटू 4/3। यस। और बताइए क्या खुशखबरी लाए हो यहाँ पे आंसर लेकर? 4/3 p। ओके चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ई टू द पावर 4/3 का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 4/3 p इंटू 4/3 p का क्या आएगा? 4/3। वहाँ पे एक्स हुआ करता था, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आंसर में अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये क्या आ जाएगा? 4/3 ई टू द पावर 4/3 p। ठीक है, इतने ही करके हम आज का लेक्चर समाप्ति की घोषणा करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ आगे, एक ब्लैंक स्लाइड मुझे मिल जाए। मिल गई है ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, कल सैटरडे है, कल ये हम डिफरेंशिएशन करेंगे। संडे, संडे को एग्ज़ाम ऑन डिफरेंशिएशन। टुमारो क्लास एट 4 p.m. टुमारो क्लास एट 4 p.m. ठीक है, सभी बच्चों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि कृपया करके ये वाला ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, उससे मुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, चीज़ें बताने में, मैसेज कन्वे करने में, एग्ज़ाम कंडक्ट करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो संडे को जब एग्ज़ाम दोगे तुम कहोगे सर ये ऐप में क्या करना है कैसे करना है, अभी से डाउनलोड करके रखो, उसमें एक्सप्लोर करो। इसके अंदर यहाँ पे एक टैब मिलेगा जिस बैच में तुम रहोगे, यहाँ पे लिखा होगा टेस्ट, स्टडी मटेरियल, लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर तो हम जूम पे लेते हैं, वो ऐप पे इतना इफेक्टिवली नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है स्टडी मटेरियल के अलावा यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर हमें ज़रूरी है। ठीक है, वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, लाइव क्लास हम जूम पे लेते हैं, दैट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। और जो एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल कोई नोटिफिकेशन है उसके लिए व्हाट्सएप, और ये हमारा अजिंक्य फिजिक्स का ऐप। तो टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कभी पिछले टेस्ट के मार्क्स वगैरह देखने, तो इसके इस स्टेप के अंदर जाओगे तो समझ में आएगा। स्टडी मटेरियल सबसे ज़रूरी है, बच्चे ध्यान दें। स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने कैटेगरी करके रखी है, ठीक है, क्लास नोट्स, ठीक है, फिर DPP, ठीक है, कुछ फॉर्मूला शीट। तो उसके अंदर जैसे जैसे खोलोगे, क्लास नोट खोलोगे, बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे। फिलहाल टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इसको खोलोगे तो 1 2 3 ऐसे पार्ट बाय पार्ट तुम्हें बहुत ही सिस्टमेटिकली वहाँ पे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही स्टडी मटेरियल की बात। और कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऐप परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर ये ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करते रहता हूँ, जैसे ही लेक्चर हो जाए, जब भी देखो तुम्हारे सामने, मैं इसको अब एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आज का लेक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है स्टार्ट मुझे लगता है यहाँ से, हाँ, पेज नंबर 18। तो मैं जितना भी क्लास में जितने भी लेक्चर्स हम कंडक्ट करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है पीछे, देखो। और तुम्हारे सामने में ये जो नोट्स हैं वो ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ अभी। ठीक है, सो इसको डाल दिया मैंने फ़ोन पे। ठीक है, जैसे क्लास ख़त्म हो जाएगी मैं इसे वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसका नाम एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स क्यों अपलोड करता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि कई बार जिस मोमेंटम में मैं सिखाता हूँ, जिस फ्लो में मैं चलता हूँ, तो कई बार होता है कि एक दो पेजेस किसी के मिस हो जाते हैं। ठीक है, और कई बच्चों का अप्रोच ऐसा रहता है कि सर आप, हम कम्प्लीटली फोकस आपकी तरफ रखेंगे, मतलब जो आप सिखाओगे वहाँ पर रखेंगे, आप नोट्स हमें बाद में दे दीजिए, मैं उसको बाद में लिख लूँगी। तो दो प्रकार का एटीट्यूड, दोनों भी सही है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि क्लास में 100% मेरा फोकस रहना चाहिए तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा या लिखूंगी, बस एक रफ नोटबुक सामने रखना जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन ट्राई करो, तो मेरे साथ ट्राई करने से ना तुम्हारी डेवलपमेंट होगी, बस ऐसे देखने से डेवलपमेंट नहीं होगी। सो व्हेनेवर आई से कि बच्चों इसे ट्राई करो, तो यू हैव टू ट्राई जेन्युइनली। ठीक है, नोबडी इज देयर टू वॉच यू कि तूने सच में किया क्या, तूने सच में किया, बी ऑनेस्ट। हमारे साथ हमको ऑनेस्ट ही रहना पड़ेगा अभी। ठीक है, हम अभी बड़े हो गए, वी आर ग्रोन अप नाउ, अभी 10th स्टैंडर्ड 10th कक्षा में नहीं रहे। ठीक है, हम कॉलेज में आ गए, स्कूल और कॉलेज का वही अंतर है ना, यू हैव एक्स्ट्रा फ्रीडम विद एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो यूज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम वाइजली फॉर पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, यही नोट पे हम लेक्चर को बच्चों ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जो भी कुछ नोटिफिकेशन रहेगा मैं ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, ऐप को डाउनलोड करना,
मैं बैच में वहाँ पे ऐड कर दूंगा, सभी नोटिफिकेशन तुमको रेगुलरली मिलते जाएंगे। यूट्यूब पे अपना चैनल है अजिंक्य फिजिक्स, उसको सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो जो भी मैं वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर एक थोड़ी 15-20 मिनट के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, पीछे के भी अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक वहाँ पे नहीं मिल रही तो ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। सो एवरीथिंग, सब फील्डिंग अच्छे से हम लगा के रखी है, हर तरीके से जितना हो सके उतना पूरा का पूरा बेनिफिट ले लो, ठीक है। नई नोटबुक रेडी करो अभी, जितने भी मैंने पोस्ट कर दिए डिफरेंशिएशन से वो पूरे के पूरे नोट्स तुम्हारे नोटबुक में अच्छे से लिखना, ठीक है। डोंट रिलाई कि सर ने पीडीएफ भेजी ना, वो मैं बस रीड कर दूंगा, उससे बेनिफिट नहीं होगा। तुम्हारे खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स तुम्हें लास्ट तक तुम्हारी नैया को पार कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है वही तो लिखना है, ये नहीं हो, तुम उसको मेंटेन करो कम्प्लीटली। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, पूरी जर्नी 2 साल की जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बताऊंगा, तुम्हें ये यकीन भी नहीं होगा कि इसका इतना भी बेनिफिट होता है क्या, ठीक है। बच्चों थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई क्लास, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, टाटा।